देश में जिस तरह से लोकतंत्र की हत्याएं हो रही है, ये आंदोलन ही एक रास्ता है कि बगैर आंदोलन के देश नहीं बचेगा। ऐसा नहीं कि एक स्टेट में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम हर स्टेट में है। सब जगह एक काम है कि किसान की जमीनें कैसे छीन ली जाए, उनकी जमीनें छीन रहे हैं, वो पैसा नहीं दे रहे, अपनी जमीन बचाने का आंदोलन होगा, बचाने का आंदोलन होगा। क्या सरकारें 13 महीने जो आंदोलन हुआ उससे भी बड़ा आंदोलन करवाना चाहती है? हमारे सारे लीडर सबका धन्यवाद है, प्रेस के लोगों का धन्यवाद है, यहाँ का पुलिस प्रशासन जो व्यवस्था है की उन सबका धन्यवाद। बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पे पूरा बैरिकेडिंग लगा के पहली बार किसान जो मेटल डिटेक्टर लगे हैं इसमें निकले, तो इन सबका भी धन्यवाद। कोई किसान टेक्टर लेकिन धन्यवाद है ये सभी किसानों का। आज यहाँ पे संयुक्त मोर्चे का जो बैनर है इसमें प्रोग्राम किया, क्योंकि एक साल पहले 1.5 साल हो गया था हम यहाँ से गए, जब हम 13 महीने दिल्ली में रहे, 1.5 साल हो गए जो उसके बाद से यहाँ पे आए। और आज ये भी एक मैसेज गया कि 2 साल बाद में जो सरकार 22 जनवरी 2021 से पांचवी सरकार के साथ में बंद थी, आज कमेटी के माध्यम से बातचीत भी शुरू हुई, लेकिन उसका रिजल्ट क्या है? रिजल्ट है उसका आंदोलन, रिजल्ट है उसका भीड़। और जब तक भीड़ तंत्र हमारे पास में नहीं होगा सरकारें मानने वाली नहीं है। हमको अपने आंदोलन मूवमेंट अपने स्टेट में करने पड़ेंगे, अपने गांव गांव में कमेटियां बनानी पड़ेगी, क्योंकि जब तक कमेटियां नहीं बनेगी भीड़ यहां बुलाना होगा तो आएगी नहीं। ऐसा नहीं कि एक स्टेट में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम हर स्टेट में है। हम बीच में तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, आंध्रा, कर्नाटक, तेलंगाना सब जगह एक ही काम है कि किसान की जमीनें कैसे छीननी जाए। छत्तीसगढ़ के अंदर तो आदिवासी क्षेत्र उनकी जमीनें छीन रहे हैं और पैसा नहीं दे रहे, दान पात करना दिखाते हैं कि दान जमीन दे दी। ये यहां दूसरे में है, यहां उत्तर प्रदेश में है, एयरपोर्ट लखनऊ का एयरपोर्ट सरकार रहना चाहिए कि पॉलिसी क्या है, इसकी नजरें हैं सरकारों की आज जमीन के ऊपर। लेकिन इंडिया बात करते हैं क्या है, इसकी है मजदूर लेबर, ये देश में लेबर बने जमीन छीन ली जाए, वही उद्योगपतियों को जमीन देने का काम सरकारें कर रही है। अपनी जमीन बचाने का आंदोलन होगा, फसल बचाने का आंदोलन, ये फसल बढ़ाने का आंदोलन हमको जारी रखना होगा। हटाने की जरूरत नहीं है, देश की आजादी चली तो 90% आंदोलन चले। और हम हजार जन गांवों में अत्याचार अभी नहीं हुआ, आजादी की लड़ाई जिनको फांस गई, ये कह दिया कि रस्ता तो ये करेगी 1 साल के पेड़ पे नहीं। अभी वो अत्याचार किया हमारे पूर्व ने तो आंदोलन भी देखे, आंदोलन की ताकत के साथ उन्हें लड़ना पड़ेगा। अगर एमएसपी गारंटी काम चाहिए तो दिल्ली में 13 महीने आंदोलन चला, उससे भी बड़ा आंदोलन तो करना पड़ेगा। आज सरकार कहा है, सरकार ने कहा है कि आंदोलन, इसका मतलब एक तरह का कटाक्ष आपके ऊपर करा है,
कि आप आंदोलन करो, हम देने को तैयार है। क्या सरकार 13 महीने जो आंदोलन हुआ उससे भी बड़ा आंदोलन करवाना चाहती है? देश में जिस तरह से लोकतंत्र की हत्याएं हो रही है, जिस तरह से इलेक्शनों में क्या हो रहा है, अभी आपने उत्तर प्रदेश में भी देखा होगा, अब कोई इलेक्शन और वो नहीं है, आने वाले टाइम पे भी यही होगा। एकल कोटा इलेक्शन था जो गांव का किसान लड़ता था, उसमें एक तरफा सरकार के लोगों ने इतना प्रेशर अधिकारियों के ऊपर बनाया कि अपने लोगों को उनमें चुनाव में जितवाने का काम करा रहे। लेकिन जब भी देश में विपक्ष कमजोर होता है, देश में तानाशाहों का जन्म होता है। ये कोरिया बन चुका है देश, ये आंदोलन ही एक रास्ता है, ये बगैर आंदोलन के देश नहीं बचेगा। बेरोजगारी का क्या हाल है? क्या लोगों को रोजगार मिल गया? बच्चों को महंगाई का क्या हाल है? किसानों की जमीन नहीं जा रही है, फसलों के दाम नहीं है, ये समस्या है। लेकिन हमको अपना आंदोलन मजबूत करना था, भीड़ ऐसे नहीं, अगर एक संगठन कोई भीड़ करे तो भीड़ इससे ज्यादा आ जाएगी। अगर सारे मिलकर करें कि वो तो चला जाएगा। कोई संयुक्त मोर्चा है तो सब लोग इकट्ठे होकर भीड़ ज्यादा हमको इकट्ठी करनी पड़ेगी। आप लोगों का धन्यवाद, जितने लोग भी यहाँ आए, पूरी कमेटी का धन्यवाद, पूरे संयुक्त मोर्चे का धन्यवाद, और संयुक्त मोर्चे का हमारा जितने भी हमारे एडिटर है सबका हम धन्यवाद करते हैं। आप पंचायत के लोग आए उनका धन्यवाद करते हैं। जय हिंद, जय भारत।